हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, जो गाइडलाइन आई हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए, वो गाइडलाइन के ऊपर मैंने वीडियो बना दी थी, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों की कुछ क्वारीज थी जो मैं इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जो असाइनमेंट का वर्ड हमारे सामने आया है, इसके बाद से ही आप लोग पूछ रहे हो कि असाइनमेंट कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ सबमिट करना है, कौन सी शीट पर लिखना है, किस तरीके से करना है। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो जानकारी है वो एसओएल की वेबसाइट पर जल्द आएगी। अभी जानकारी आने से पहले ही मैं आपसे आपके साथ कुछ डिस्कस कर दूं तो वो शायद थोड़ा ठीक नहीं होगा, बट मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि जो सब्जेक्ट आपका है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आपको असाइनमेंट बनाने होंगे। ऐसे नहीं कि कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स आपसे पूछ लिया जाएगा। तो जो सब्जेक्ट आपका है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको असाइनमेंट बनाने होंगे। आप उसके लिए इंटरनेट की मदद ले सकते हो, ठीक है, कोई बुक है उसकी मदद ले सकते हो, लेकिन वही बात है, कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते। और कैसे सबमिट कर रहे हैं? ऑनलाइन सबमिट कर रहे होंगे स्टूडेंट पोर्टल पर, जहाँ से आपने जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो फिल करा था, वहीं पे जाके आप सबमिट करोगे, ठीक है। स्कैन करके सबमिट करना है, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन टाइप करना है आपको, ठीक है। और दोनों लैंग्वेज में आएंगे असाइनमेंट, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो इस बात से बिल्कुल निश्चित रहिए कि असाइनमेंट कैसा होगा कैसा नहीं होगा। इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आप थोड़ा रिसर्च वर्क करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है उसके लिए भी, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठाकर टेप दिया, ऐसा मत करना, ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट में कोई फेल हो सकता है? मैं रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता, जो पिछली गाइडलाइन पिछली जो वीडियो थी उसमें लिखा हुआ था एक चीज़, अगर कोई बच्चा इम्प्रूवमेंट देना चाहता है ओपन बुक, सॉरी, ये जो सारा इवोल्यूशन सिस्टम है इसके बाद भी अगर कोई इम्प्रूवमेंट देना चाहता है तो वो दे सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फेल कर दिया जाएगा, प्रॉपर असाइनमेंट बनाइए तो कुछ आपको फेल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो क्वायरी थी वो थी बैक पेपर के लिए। जैसे इस साल आप सेकंड ईयर में हो और आपका कोई फर्स्ट ईयर का बैक पेपर है, तो देखो सेकंड ईयर के पेपर में तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस और 50% असाइनमेंट जो वो लेने वाले हैं उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। लेकिन जो फर्स्ट ईयर का आपका बैक पेपर रह गया है वो पेपर आपका नेक्स्ट ईयर होगा थर्ड ईयर के साथ, ठीक है। तो बैक पेपर वालों के लिए कोई भी यहाँ पे प्रमोशन का रूल नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप थर्ड ईयर में हो इस साल थर्ड ईयर में हो, तो फिर तो आपको पता ही है ओपन बुक आपके एग्ज़ाम है इसी साल होंगे, थर्ड ईयर के ओपन बुक एग्ज़ाम, और जो बैक पेपर है फर्स्ट और सेकंड ईयर का वो भी इसी साल होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से दोस्तों, ऐसे बच्चे जो अपना ईयर रिपीट कर रहे हैं, ईयर रिपीट का मतलब जो वो पूरा फर्स्ट ईयर रिपीट कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में उनकी बैक आ गई थी तो पूरा साल वो रिपीट कर रहे हैं सारे पेपर। सिमिलरली सेकेंड ईयर में बैक आ गई थी तो वो पूरा साल रिपीट कर रहे हैं, तो उन बच्चों को ओपन बुक एग्ज़ाम देने होंगे और इसी साल देने होंगे, जो डेट शीट वेबसाइट पर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को देने होंगे, ठीक है। और इवोल्यूशन सिस्टम तो मैंने आपको बता दिया है, जो एसक्यूएल के बच्चे हैं सेमेस्टर मोड के, उनका 100% इवोल्यूशन असाइनमेंट के बेसिस पर होगा, ठीक। इसी तरीके से जो एसक्यूएल के सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, जो करंटली सेकेंड ईयर में हैं, उनका 50% असाइनमेंट और 50% प्रीवियस मार्क्स के बेसिस पर होगा। इसी तरीके से जो पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चे हैं, उनका 50% असाइनमेंट और 50% प्रीवियस सेमेस्टर के बेसिस पर होगा, ठीक है। और एनसीईएफ के जो बच्चे हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के, सेकंड ईयर के एनुअल मोड के, उनका 50% प्रीवियस ईयर और बाकी के 50% जो है असाइनमेंट जो अभी आपको मिलने वाले हैं उसके बेसिस पर होगा। अब कुछ बच्चे पूछेंगे, सर हमारा रिजल्ट नहीं आया है, जैसे एनसीईएफ का रिजल्ट नहीं आया है तो हमारा क्या होगा? तो देखो, रिजल्ट नहीं आया है ये डीयू के ऊपर बर्डन है। आपका जो भी रिजल्ट आएगा फर्स्ट सेमेस्टर का एनसीईएफ का, तो उस रिजल्ट का 50% वो उठाएंगे, और जो करंट सेमेस्टर में आपसे असाइनमेंट लिए हैं, आई थिंक जो एनसीईएफ के बच्चे हैं उनसे असाइनमेंट लिए जा चुके हैं, तो वो जो असाइनमेंट लिए जा चुके हैं उसका 50% लगेगा, ठीक है। और बाकी रेगुलर का तो कुछ डाउट है ही नहीं, रेगुलर के तो असाइनमेंट भी सबमिट हो गए हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के भी ऑलमोस्ट 80% कोर्सेज के रिजल्ट आ गए हैं। जिनके नहीं आए हैं उनके जल्द ही आ जाएंगे, तो आप थोड़ा पेशेंस रख लीजिए। और बाकी दोस्तों, जो असाइनमेंट से रिलेटेड जितना भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ मेरे लेवल पर, मैं करने की कोशिश करूँगा। और बाकी और भी चैनल हैं, आप एसओएल अपडेट फॉलो कर सकते हैं, मनीष वर्मा सर का चैनल फॉलो कर सकते हैं, तो वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस बनते हैं, वो इस फील्ड में मदद कर सकते हैं आपकी। तो मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, बाकी उनके चैनल भी आप चेक करते रहिएगा, जो भी अमेंडमेंट अगर होते हैं, वैसे होंगे नहीं अमेंडमेंट गाइडलाइन में, तो उनके चैनल भी चेक करते रहिएगा कुछ अगर आपको हमारे चैनल से समझ नहीं आता है तो, ठीक है। तो यही अपडेट थी आज की इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।